अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डेवलपिंग पाकिस्तान में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि तेल और गैस कैसे निकाले जाते हैं ड्रिलिंग के जरिए। तेल के मुमकिन अंदेशे के बाद उस जगह की ड्रिलिंग की जाती है। एक शिप जिसको ड्रिलिंग बर्ज कहते हैं, पहले सैटेलाइट की मदद से एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर पहुँचती है जहाँ जियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया होता है कि इस शिप के नीचे प्रोपेलर्स होते हैं जो शिप को बिल्कुल उसी जगह रखते हैं और उसको लहरों के साथ बहने या इधर उधर हिलने नहीं देते। पोजीशन में आने के बाद शिप से पहला कंडक्टर पाइप नीचे भेजा जाता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट पाइप होता है जिससे ऑयल की ड्रिलिंग के लिए अच्छी बुनियाद फराहम होती है। कंडक्टर पाइप को पानी के अंदर की जमीन में ड्रिल किया जाता है और वहां लगा दिया जाता है। फिर ड्रिल पाइप को ऊपर खींच लिया जाता है। इस ड्रिल पाइप के आगे एक बड़ी ड्रिल बिट लगा दी जाती है जो अब नीचे ड्रिलिंग करेगी। उसको शिप से नीचे भेजा जाता है जहां ड्रिलिंग बिट कंडक्टर पाइप में डाल दी जाती है और ड्रिलिंग स्टार्ट हो जाती है। यह ड्रिलिंग इतनी आसानी से नहीं होती क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान जो मिट्टी जमा होती है उससे इस रास्ते के ब्लॉक होने का खतरा रहता है। इसीलिए पाइप से पानी नीचे प्रेशर से डाला जाता है ताकि इस मिट्टी और पत्थरों को ऊपर धकेल दिया जाए। कुछ सैकड़ों मीटर की ड्रिलिंग के बाद ड्रिल बिट को वापस ऊपर निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब इतनी गहराई तक खुदाई हो चुकी है कि पाइप के दोनों अतराफ के जमीन पर इतना प्रेशर है कि ये दोनों टकरा कर एक दूसरे में जम हो जाएंगी और ड्रिल होल बंद हो जाएगी और अभी तक की जितनी भी मेहनत है वो जाया हो जाएगी। सो इसके लिए जरूरी है कि इस खुदाई वाले एरिया को मजबूत बनाया जाए। इसके लिए केसिंग पाइप डाला जाता है। जब ऑयल वेल यानी के तेल के कुएं तक ड्रिल पहुँचती है तो हमें यूजली तीन में से एक कंडीशन मिलती है, या तो वहाँ सिर्फ गैसेस होती हैं, या फिर सिर्फ ऑयल होता है, या फिर ऑयल और गैसेस दोनों होती हैं। हमने जिस वेल को हिट किया वहाँ ऑयल एंड गैस दोनों हैं। इंशाल्लाह हमारे मुल्क में ऑयल और गैस निकल आएंगी। तो सबसे पहले गैसेस निकलती हैं और इनको पहले कंटेन किया जाता है और फिर सेपरेट किया जाता है। इस गैस के मिक्सचर से LNG बनती है, LPG बनती है और सल्फर निकलता है। गैसेस के बाद ऑयल निकलता है जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं। इस ऑयल को निकाल कर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ तक ऑयल यूजली खुद ब खुद निकलता है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट।